हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ओट्स के चिले, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये डाइट में भी खा सकते हैं। तो चलो देखते हैं ओट्स के चिले की रेसिपी। ओट्स के चिले के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ओट्स को पहले से ही पीस लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा, एक छोटी कटोरी सूजी, 3 से 4 हरी मिर्च, एक शिमला मिर्च, 2 छोटे साइज के प्याज और 3 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं। अब हम ओट्स, गेहूं के आटे और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें छाछ ऐड कर देंगे। अगर आपको छाछ पसंद नहीं तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। छाछ इतना ही डालना है जितना वो भीग जाए पूरा। थोड़ा थोड़ा करके छाछ ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम ये हमारा जो मिक्सर है इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक लिए जो हमारे वेजिटेबल है उसे हम चॉप कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुकी है। तो उसके बाद जो मैंने चॉप किए हुए वेजिटेबल है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, उसे हम हमारे बैटर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, सभी को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल जो उत्पम का बेटर होता है इसके जैसी ही रखिए। तो ये मिक्स हो चुका है। तो चलो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर लोहे के तवे को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा था। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से लगा देने के बाद बीच में जो हमारा बैटर है उसे हम रखेंगे। इसे बीच में ही रखेंगे। अब हम ये इसे राउंड शेप में इसी तरह फैला देंगे अच्छे से। यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। जब ये एक साइड पक जाए तब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह दोनों तरह से अच्छे से पका लेंगे। इसी तरह दोनों साइड से इसे हम क्रिस्पी हो जाए तब तक के लिए पका लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बैटर में से चिले बना लेंगे। सेम प्रोसेस में बीच में रख के इसे साइड में हम अच्छे से वो फैला देंगे। ये
एक साइड पक चुका है तो हम पलट देंगे इसे। अब ये दोनों साइड से बनकर तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे हेल्दी ओट्स के चिल्ले, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल नेचुरल लाइफ विद दीना को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।